प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार वाराणसी से नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मां गंगा की पूजा अर्चना की और काल भैरव मंदिर में आशीर्वाद भी लिया, जिसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन भी उन्होंने किया। इस पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। काशी में मोदी हैट्रिक की तैयारी। माँ गंगा का पूजन, पीएम का नामांकन, 400 पार का मिशन, वाराणसी से नामांकन, यूपी में मिशन 80, माहौल बनाएगी काशी। 10 साल पहले नरेंद्र मोदी ने काशी को अपनी कर्म भूमि बनाया तो काशी ने मोदी को दिल्ली की सत्ता पर बैठाया और विश्व में नई पहचान दी। 2014 में पहली बार गुजरात से आकर नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से चुनाव लड़ा तो कहा कि माँ गंगा ने बुलाया है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। मोदी को माँ गंगा का प्यार मिला और वो लगातार दो बार देश के प्रधानमंत्री बने। पीएम मोदी के नेतृत्व में ही बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी। पहली बार 2014 में नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से चुनाव लड़ा तो 56.5% वोट मिले। दूसरी बार 2019 में ये वोट प्रतिशत बढ़कर 63.9% हुआ और अब तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री मोदी काशी से हैट्रिक लगाने को तैयार हैं। वोट प्रतिशत में कितना इजाफा होगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन पीएम मोदी ने फिलहाल काशी को ही अपना घर बना लिया है। प्रधानमंत्री मोदी 2024 में हैट्रिक लगाने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी बड़े काम से पहले या तो मंदिर के दर्शन करते हैं या फिर काशी जाकर पूजा अर्चना करते हैं। नामांकन से पहले पीएम मोदी बनारस के दशाश्वमेध घाट पहुंचे, जहां पीएम ने विधि विधान से मां गंगा का पूजन किया। इस दौरान प्रखंड पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार भी किया। जिसके बाद पीएम मोदी ने क्रूज की सवारी की और नमो घाट पहुंचे। मां गंगा की पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव मंदिर पहुंचे, जहां पर पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी थे। काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री ने अपना नामांकन किया। इस दौरान पीएम के प्रस्तावक आचार्य गणेश्वर द्रविड़, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। काशी में आज सबसे बड़ा नामांकन हुआ तो एनडीए के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, एकनाथ शिंदे, कोनार्ड संगमा, प्रफुल्ल पटेल, रामदास अठावले, हरदीप पुरी, चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी के साथ ही कई दिग्गज पीएम मोदी के नामांकन के साक्षी बने। नामांकन के बाद सभी नेता पीएम मोदी के साथ बाहर निकले और एनडीए की एकजुटता का संदेश दिया, जिसके बाद पीएम मोदी सभी दिग्गजों का अभिवादन करते हुए नजर आए। बनारस का मिजाज जो देश से बहुत ही बड़ा मिजाज है और हम 400 पार सीटें जीतेंगे और हमें पूरा विश्वास है, जनता पर हमारा विश्वास है और इंडिया आघाड़ी का बहुत बड़ा मतलब यहाँ मतलब उनको धक्का मिलने वाला है और हमें बहुत बड़ी सफलता मिली। कार्यक्रम में हमें शामिल होने का मौका मिला है। मैं इतना ही कहूँगा, आज आप देख रहे कि कब वोटिंग करें, कब मोदी जी को मतदान करें, इसलिए 2014, 2019 सब रिकॉर्ड इस बार टूटेंगे। मोदी जी फिर एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 पार ये आंकड़ा जाएगा। इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी इवन टू बी हियर एंड आई बीन फॉर्चुनेट टू बी एन एनडीए पार्टनर एंड स्पेशली आई एम पर्सनली अडोर एंड रिस्पेक्ट मोदी जी
it continued our relationship and it strengthened, it empowered and whatever I could bring it to this. NDA 400 पार की बात है, 400 पार सीटें मिलेगी और बिहार में 40 में 40 मिलेगी। हम लोग की ताकत ही हम लोग की एकजुटता है और आज प्रधानमंत्री जी के समर्थन में पूरा NDA एक साथ उनके नामांकन में शरीक हुआ है और यही एकजुटता ही हम लोगों के लक्ष्य तक हम लोगों को लेकर जाएगी और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जो 400 पार का प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया हम लोग का लक्ष्य सरलता से पार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी पारी के लिए काशी से नामांकन कर दिया है। काशी को पीएम मोदी ने अपना घर बनाया और इसी का परिणाम है कि सोमवार को हुए रोड शो में लोगों की भीड़ भी देखने को मिली। लोग पीएम की एक झलक के लिए रोड शो में उमड़ पड़े। इसके साथ ही पिछले दो चुनाव में लगातार पीएम मोदी के वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी देखी गई। लोगों की इस दीवानगी का असर अब लोकसभा चुनाव के परिणाम के साथ ही देखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।